तमाम कोशिशों के बावजूद राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का सितम जारी है। केंद्र सरकार का दावा है कि दिल्ली सरकार को तमाम तरह की सुविधाएं दी गई प्रदूषण को में काबू में करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली का प्रदूषण काबू में नहीं आया। हालांकि दिल्ली सरकार दम भर रही है कि उसने प्रदूषण को काबू में करने के लिए कई प्लान बनाए, लेकिन हरियाणा और पंजाब की पराली की वजह से दिल्ली का जो वातावरण है वो दूषित हो गया है। क्या है पराली की सच्चाई, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे हरियाणा से बीजेपी के दिग्गज नेता और सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक जी से। कौशिक जी, क्या लगता है हरियाणा में क्या हो रहा है? हरियाणा में इस बार पराली बिल्कुल नहीं जलाई गई है और हमने सरकार ने पूरा इंतजाम किया है कि हम पराली ना जलाएं, बल्कि हमने पराली को खरीदा है, किसानों जहाँ मुआवजा देने की जरूरत पड़ी है मुआवजा भी दिया है और हमने इस बार पराली पर काफ़ी कुछ कंट्रोल किया है जो ना जलाई जा सके, जिससे पॉल्यूशन हो सके। अब दिल्ली के लिए दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है, उन्होंने ये अपने करना चाहिए और पॉल्यूशन का हल ज़रूर निकालना चाहिए। और पॉल्यूशन का हल एक तरीका सबसे ज़्यादा तो हमने पेड़ों पर ध्यान देना पड़ेगा दिल्ली में, बल्कि जितनी ज़मीन बची है अब इसको वो करके एक्वायर करें या कुछ वो करवा के, मतलब ये यहाँ पर तो अब पेड़ ही पेड़ लगाने चाहिए। नए जो कंस्ट्रक्शन हो रही हैं या इंडस्ट्री हैं वो दिल्ली में ना हो के दिल्ली से कम NCR से भी बाहर लगने चाहिए ताकि पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके। आप लोग दावा करते हैं कि हरियाणा और पंजाब में पराली नहीं जलाई जा रही, खासतौर पर आप सोनीपत से हैं, आप दावा करते हैं कि वहाँ पराली नहीं जलाई जा रही, लेकिन दिल्ली सरकार बार बार कह रही है कि पराली वहाँ जल रही है। हरियाणा गवर्नमेंट जो तथ्य है उसको कहीं ना कहीं छुपाने का काम कर रही है। आपको लगता है गेम ब्लेम यहाँ पर किया जा रहा है दिल्ली के अंदर? ऐसा है, इस बार हमने पराली नहीं जलने दी है न, और हमने उसके लिए कानून भी बनाया है, अगर कोई पराली जलाएगा तो FIR भी की हैं और रोका भी गया है, और सरकार ने पराली खरीदने का भी प्रोग्राम बनाया है, उसके साथ साथ और भी हम साधन अपना रहे हैं और हरियाणा में इस तरह की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होगी और हम कोशिश कर रही है सरकार कि हम इस पर पूरा का पूरा कंट्रोल कर लें। दिल्ली के लोग समझ नहीं पाते पराली होती क्या है और कैसे जब वहाँ पराली जलाई जाती है तो दिल्ली में धुआं पहुँचता है, आप चूँकि सांसद हैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कीजिए। जो धान होता है, धान की फसल कटी उसको हम झाड़ते हैं, जो नीचे रह जाता है वो पराली होती है, जो ऊपर जो मशीन से कटवाते हैं उनमें कुछ फांस रह जाते हैं नीचे वो हो जाते हैं, और उनके लिए अब किसान को भी समझदारी आ गई है और वो भी अब कोशिश करता है कि उसको खाद के बारे में यूज कर ले, और जो पराली है उसको आजकल पशुओं के चारे के रूप में भी और दूसरे तरीकों से भी ये यूज की जा रही है और लोग खरीद भी रहे हैं और सरकार भी उसके लिए मुआवजा भी दे रही है और खरीद रही है। एक सुप्रीम कोर्ट में भी प्रदूषण का मामला है, यहाँ पर भी दिल्ली सरकार जस्टिफाई नहीं कर पा रही कि दिल्ली के बाहर से पोल्यूशन कैसे हो रहा है। सरकार ने कहा कि 60% पोल्यूशन दिल्ली का है लेकिन 40% प्रदूषण बाहर का अदर स्टेट का है। आपको लगता है कि हरियाणा सरकार की नॉलेज में नहीं है कहाँ का पराली जल रही है, या ऐसा कुछ जिसे हरियाणा में धुआं होता है या पराली जलाई जा रही है उसका धुआं दिल्ली की तरफ रहा है, सरकार से भी कुछ छुपी हुई है? अच्छा, इसमें क्या होता है, जब भी हवाएं चलेंगी चाहे जैसे गर्मियों में चलती हैं राजस्थानी तरफ से कई बार रेत आ जाता है इधर, ये होता है, लेकिन इस पर हमें दोनों सरकारों को मिलकर और सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है और हम सब भी आप भी हम भी ये चाहते हैं कि पोल्यूशन पर कंट्रोल किया जाए और पोल्यूशन ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, बच्चों के लिए भी सबके लिए ही हानिकारक है, और इस पर हम मिलजुल के एक दूसरे पर दोषारोपण करने की बजाय इसको हम ठीक करें, इसी में सबकी भलाई है। धन्यवाद। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली की हवा भी ख़राब है और पानी भी ख़राब है, तो खुद कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कुछ सांसद मास्क लगाकर संसद के अंदर आ रहे हैं? देखो, हमें ये तो हर आदमी चाहता है, मैं भी चाहता हूँ और भी सब चाहते हैं कि पॉल्यूशन ना हो और पीने के लिए साफ पानी मिले, ये तो होने ही चाहिए दोनों चीज़ें, और इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। खुद कैसा फील कर रहे हैं दिल्ली में? लग रहा है दिल्ली में पॉल्यूशन तो है ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, पॉल्यूशन तो है ही। मास्क की जरूरत आपको ही पड़ेगी? अभी तो चलो ठीक चल रहा है, तो हमें पॉल्यूशन पर कंट्रोल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे सोनीपत से बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद रमेश कौशिक जी, जो कहते हैं कि प्रदूषण एक समस्या जरूर है लेकिन इस समस्या का समाधान सभी सरकारों को आपस में बैठकर बातचीत से निकालना होगा और उसके लिए हरियाणा सरकार और हरियाणा के तमाम नेता दिल्ली सरकार के साथ हैं, बस सरकार को इस मुद्दे पर पहल करनी होगी और पॉल्यूशन का समाधान निकालने के लिए कुछ उपाय बताने होंगे। कैमरामैन विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।